नमस्कार, मैं हूँ गार्गी पंडित, यानी कि आप सबकी प्रियंका पंडित। और लाइव आने का रीज़न ये है कि जो मैंने पोस्ट डाला है उसके बाद एक बहुत ही बड़े हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, लगाऊं कि नहीं लगाऊं वो सोच रही हूँ, उनका कॉल आया। सोच रही हूँ जिस नंबर से कॉल आया वो आप लोगों को दिखा दूँ, फेसबुक पर डाल देती हूँ। तो जनाब ये कह रहे हैं मुझे कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तो खेसारी लाल यादव, मैं तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जो तुमने मुझे फ़ोन पर बोला कि लोग तुम्हें मेरे अपोजिट काम नहीं दे रहे से तुम फ्रस्ट्रेट हो गई हो, तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, प्रियंका पंडित तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है खेसारी लाल यादव जी। और जो कुछ भी आपने मुझे फ़ोन पे जो धमकियां दी हैं, मैं चाहूँ तो मैं इसका बहुत बड़ा इशू बना सकती हूँ और मैं बनाऊँगी भी, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो आप मुझे बोलेंगे वो मैं चुपचाप सुनूंगी और सहूंगी। ठीक है, मेरी औकात जो आप मुझे बता रहे ना कि मेरी क्या औकात है, तो मेरी तो औकात आप मत ही पूछो, आपकी क्या औकात है ना वो आपने फ़ोन पे आज मुझे बताया है। ठीक है, और लाइव इसलिए आ रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जो सुपरस्टार वो कह रहे हैं ना, उनके सुपरस्टार क्या हैं। एक लड़की को फ़ोन करके उसको उसकी औकात बता रहे हैं कि तुम मेरे फिल्मों में काम करने के लायक नहीं हो, तुम्हें मेरे अपोजिट फिल्म नहीं मिल रहा है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमा सको, तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है ना ये तुमने आज मुझे बताया है खेसारी लाल यादव। अगर तुम मेरे सामने आके अगर ये मुझे बोलते हैं ना, तो जहां तुम होते ना वहीं तुमको मारती मैं, और इतना मारती ना कि तुम्हारी औकात तुमको मैं वहां बताती। जो तुम कह रहे थे ना मुझे मेरी क्या औकात है, तुम्हारी औकात मैं बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। और लाइव इसीलिए आई हूं ना ताकि लोगों को पता चले अब इनके सुपरस्टार क्या हैं। फोन करके मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे समझा रहे हो बेटा ऐसा करके पब्लिसिटी नहीं, मेहनत से करो, मेहनत से आ गया हो तो तुम लाए हो मुझे 5 साल से यहाँ से, अपने मेहनत से यहाँ पे आई हूँ, अपने मेहनत से जगह बनाई है मैंने, तुम्हारी तरह नहीं। तुम क्या कर रहे हो बताना चालू करूंगी ना लोगों को, तो जहाँ होगे वहीं आके मारेंगे लोग, उनकी नज़रों में से तुम्हारा ये जो पर्दा लगा हो ना, हमारे खेसारी लाल यादव हमारे भैया, इनको नहीं पता कि इनके भैया कितने कर्मकांडी हैं। तो ये जो अपने जो आप कॉल करके जो बताया है ना मुझे, ये आपने सही नहीं किया है, क्योंकि और कोई हीरोइन स्टैंड ले या ना ले, कोई हीरोइन कुछ और बोले या ना बोले, मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे वो आपका इंटरव्यू बुरा लगा, मैं रिएक्ट करूंगी। और आपको ही नहीं होते हो मुझे फोन करके धमकी देने वाले, आपको ये हक किसी ने भी नहीं दिया है कि आप मुझे फोन करके मुझे मेरी औकात बताएं कि मेरी क्या औकात है। आप कह रहे हो कि आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, तो मैं मरी नहीं जा रही हूँ खेसारी लाल यादव आपके साथ काम करने के लिए। मेरे नजरों में यू आर जीरो, जीरो समझते हैं ऐसा गोल वाला जीरो हैं आप मेरी नजरों में। एक खेसारी लाल यादव प्रियंका पंडित का करियर नहीं खत्म कर सकता, एक खेसारी लाल यादव से प्रियंका पंडित नहीं है। तो प्लीज ये जो धमकी आप मुझे देना चालू किए हैं ना, धमकी देना चालू किए ना, वो धमकी मत दीजिएगा, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। पहली चीज, आपको बुरी लगी मेरी बात, मैंने कुछ गलत लिखा नहीं है, जो आपने इंटरव्यू में बोला वो गलत है। आपको क्या लगता है आप तीनों से ही भोजपुरी इंडस्ट्री है, कल्पना पोटवरे हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, कितने सारे लोग हैं, कौन है आप उनके सामने, कौन है, कौन जानता है भोजपुरी से आगे तुमको, कौन हु? अगर आप कह रहे हो ना भोजपुरी को किसी ने बहुत ज्यादा फेमस किया है, तो वो सिर्फ रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, कल्पना पोटवारे जी हैं, और कौन है? भोजपुरी से बाहर निकलो कोई जानता तक नहीं होगा, मुझे तो भूल जाओ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप कहते हो ना मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या कर लिया, कौन जानता है आपको, कौन जानता है भोजपुरी के बाहर बताओ मुझे? दो रियलिटी शो क्या कर ले तो भी लोग नहीं जानते होंगे आपको। रवि किशन इतने बड़े स्टार हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं साउथ की जाके, उनसे सीखो कुछ, अगर सीखना है सुपरस्टार उसे कहते हैं।
सुपरस्टार बनना है तो दिनेश लाल यादव जैसे बनो, वो है सुपरस्टार, आप हो सुपरस्टार। मैं आपको बोल रही हूँ फोन पे कि आप सुपरस्टार हैं, आप पे ये सब बातें शोभा नहीं देता, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं हूँ सुपरस्टार, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड कहाँ से ला देते हो भाई, कहाँ से इतना एटीट्यूड लाते हो। जो धमकी दिए हो ना, अब ये वीडियो देखने के बाद भी दोगे ना, जो करना है करो, मैं ओपन चैलेंज देती हूँ खेसारी लाल यादव, तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो करो। मैं लाइव आके बोलती हूँ, अगर मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव हैं, और नेक्स्ट पोस्ट में जिस नंबर से कॉल आया है वो नंबर के साथ डालूंगी, क्योंकि जो तुमने मुझे बोला है वो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बोलने वाले मुझे नहीं होते हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा, तुमको मेरे साथ फिल्में नहीं मिल रही इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। क्या भाई तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम सलमान खान हो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ तुम्हारे साथ काम नहीं मिलेगा तो? तुम्हारे बिना काम किए कितने सालों से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, जरूरी नहीं खेसारी लाल यादव से प्रियंका पंडित का घर चल रहा है। अपने दम पे काम कर रही हूँ, अपने मेहनत से काम कर रही हूँ, भले दो रोटी कमा रही हूँ, अपनी हिम्मत अपने दम पे कमा रही हूँ। तुम कह रहे हो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको 2.5 लाख या 3 लाख रुपए कोई प्रोड्यूसर दे, मेरी औकात तुमसे तो ज्यादा ही है, तुम्हारी तरह गिरी हुई एटलीस्ट मैं तो नहीं हूं। अब जो करना है ना वो आप कर लेना, मेरे को यही बोलना था और मैंने बोल दिया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार खेसारी लाल यादव है, उन्होंने धमकी दी है मुझे और मैंने भी उनको बहुत कुछ बोला है, क्योंकि उनको उनकी औकात दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपरस्टार है तो अपने घर पे होंगे, अपने बी बच्चों के सामने होंगे, अपने उन ऑडियंस के सामने होंगे जो आपको पसंद करते हैं। मेरे लिए तो आप कुछ नहीं है, यू आर जीरो, जीरो बट्टा सन्नाटा डैश। जो आदमी डिसाइड करता है कि उसके फिल्म में कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, कौन सा डायरेक्टर होना चाहिए, कौन सा कैमरामैन होना चाहिए, कौन माँ होना चाहिए, कौन बाप होना चाहिए, वो सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार है, वो खुद को सुपरस्टार कहता है। जो आके डायरेक्टर को बोलता है भैया ये स्टोरी चेंज कर दीजिए, भैया ये हीरोइन चेंज कर दीजिए, जिसकी तो हर 4 दिन में तो गर्लफ्रेंड बदल जाती है, वो सुपरस्टार है, वो मुझे बताएगा वो क्या है। शर्म आनी चाहिए, फिर से बोल रही हूँ, शेम ऑन यू। और ये मैं तब तक बोलूंगी जब तक तुम मेरे लिए एक्शन लोगे ना, मैं भी ऐसा ही एक्शन लूंगी।